फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी वीडियोस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मूली की स्टफ्ड परांठी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही यमी और मजेदार सी परांठी बनती है, तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी बनाना। मूली यानी रेडिश का परांठा बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने मूली लेके रखी है। ये 400 ग्राम तक की होगी मूली। इसको पहले हम इस तरह से पील कर लेंगे, इसका बाहरी जो छिलका है उसको इस तरह से उतार लेंगे। मूली को पील ऑफ करके छिलका बाहरी उतार कर इसको अब हम ये ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। मूली को कद्दूकस करने के बाद इसमें हल्का सा नमक लगा देंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए नमक लगाकर इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। फ्रेंड्स, मूली में बहुत सा पानी होता है, तो उसके साथ पानी के साथ कुकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस स्टेप को करना बहुत जरूरी है। ये देखिए, आटा रेडी कर लेंगे। एक कटोरी गेहूं का आटा मैंने लिया है। इसमें हम बिल्कुल थोड़ी सी 1/4 टीस्पून जितनी चीनी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, इससे मीठी नहीं होगी परांठी। बट अगर हम चीनी थोड़ी सी डालेंगे तो जो परांठी है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे नमक, 1/4 टीस्पून जितना ही इसमें नमक डाल देंगे। अब आटे को गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। ये देखिए, इसको इस तरह से मिक्स करके 5-7 मिनट तक इसी तरह से ढककर रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसको फ्रेंड्स हमने इतना ही रखना है, जैसे जिस तरह से चपाती का आटा होता है, ना तो ज़्यादा बहुत टाइट और ना ही ज़्यादा ढीला, नॉर्मल साइज को रखेंगे। अब जो नमक लगा के हमने मूली रखी थी उसको एक कॉटन के कपड़े में डाल लेंगे इस तरह से, और इसका जो पानी है उसको ड्रेन कर लेंगे, सारा निकाल देंगे पानी। फ्रेंड्स, इस पानी को हम आटे में भी यूज कर सकते हैं गूंदते टाइम। अब इसका हम मटेरियल बनाएंगे, बढ़िया सा स्टफिंग रेडी करेंगे। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई, हरा धनिया, हरा धनिया खूब सारा, और इसमें हम डालेंगे नमक। पहले भी हमने नमक डाला था, आटे में भी थोड़ा सा डाला है, तो 1/4 टीस्पून ही अभी मैंने डाला। इसको चेक कर लेंगे, नमक आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक पिंच जितनी अजवाइन डाल लेंगे। अजवाइन का टेस्ट मूली के परांठे में बहुत ही बढ़िया लगता है। सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें अगर गरम मसाला या लाल मिर्ची कुछ भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने इसमें खूब सारी हरी मिर्ची डाली है, तो मैं और कोई भी मिर्ची इसमें यूज नहीं करूंगी। ये देखिए, आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसको मैंने एक छोटे बर्तन में शिफ्ट कर लिया। अब ये देखिए, परांठे बनाना स्टार्ट करेंगे। हम इस तरह की 2 लोइयां लेंगे। इसको हम सूखे आटे में इस तरह, दोनों लोइयां छोटी छोटी एक साइज की बेलने के बाद, ये मेरे पास फ्रेंड्स देसी घी है, इसको हम दोनों लोइयों पर लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा। अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे। ये देखिए, अच्छे से स्टफ करेंगे। एक लोई पर मैंने स्टफिंग रखी और दूसरी लोई इसके इस तरह से ऊपर, और ये जो साइड से हम इस तरह से इसको पूरा सील कर लेंगे, बंद कर देंगे अच्छे से, ताकि जो ये स्टफिंग है ये किसी भी तरफ से बाहर ना आए। इस तरह से हर तरफ से मैंने इसको सील कर लिया। और अब सूखा आटा लगाएंगे अच्छे से और इसको बड़ा सा बेल लेंगे। ये देखिए, बेल लिया। फ्रेंड्स, जो परांठी की थिकनेस है वो थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए, ज्यादा पतली परांठी बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगती। ये देखिए, इस तरह से बेल लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे।
तवे को प्री हीट किया हुआ है मैंने। ये परौंठे इस तरह से रख देंगे, एक साइड पकने देंगे, फिर साइड चेंज करेंगे। ये देखिए दोनों साइडों से पक चुकी है, इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे। हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। कोई भी परौंठा हो फ्रेंड्स, देसी घी में बहुत ही बढ़िया बनता है। दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी हो चुका है। अब मैं आपको ये परौंठे सर्व करके दिखाती हूँ। यमी सा मूली का परौंठा बनकर बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। घर में बना हुआ मलाई का सफेद मक्खन और दही साथ में बढ़िया सी मसालेदार चाय, बहुत ही यमी लगता है। जरूर से ट्राई कीजिए, आप इस रेसिपी से मूली का परौंठा बनाना बहुत ही पसंद आएगा। और फ्रेंड्स कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर प्लीज लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।